हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का जो है ना बैलेंस चेक कर लेना है, ठीक है ना, कि वो है या नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फ़ोन का बैलेंस खत्म हो जाता है ना, जिसकी वजह से हम कॉल करते हैं किसी को भी तो कॉल एंड हो जाती है, या फिर हम किसी से भी बात कर रहे होते हैं ना तो भी कॉल एंड हो जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको अपने बैलेंस चेक करना है, और दूसरा आपको प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट कर देना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग जो है ठीक से काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी जो है मोबाइल फोन में कॉल एंडेड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कैसे करेंगे, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको यह ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर यह ऑप्शन मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपने जो भी स्क्रीन लॉक लगा रखा होगा अपने फोन पे, उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है और आपका ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपकी कॉल एंडेड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार जो है रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन को जो है ना साइड में जो पावर बटन होता है इसे आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये बटन दे रखा है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई कमी आ जाती है ना, तो कमी दूर हो जाती है। जैसे कि मोबाइल फोन हैंग करता है, कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। आप अपने फोन को एक बार जो है रीस्टार्ट जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपका मोबाइल फोन का जो फोन ऐप होता है ना, जिसे आप कॉल करते हैं, फोन ऐप को उंगली से दबा के रखना है। तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा होगा या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा, इसे आपको टैप करना है। तो आपका ना ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये दो ऑप्शन मिलते हैं, क्लियर स्टोरेज, दूसरा क्लियर कैच का। पहले आपको क्लियर कैच पर टैप करना है, तो आपका नीचे ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है और आपका डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पर टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी जीरो हो जाएगा। तो इस ऐप को रीसेट कर देंगे तो आपकी कॉल एंडेड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको मोबाइल फोन की सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिल जाएगा ये नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको सिम 1 सिम 2 इनमें से आपको अपनी सिम पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा ये प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे आपको इसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका मोबाइल फोन अगर 5G का है तो 5G के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाना है। अगर आपका मोबाइल फोन 4G का है तो 4G के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के ठीक नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है ये एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे आपको टैप करना है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपका ये APN का पेज ओपन हो जाएगा। APN के इस पेज में आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है। तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे टैप करना है। नीचे लिखा हुआ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग, तो इस तरीके से आप APN सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपकी कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीसेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज में आपको है ना सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी मोबाइल फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि आपके मोबाइल फोन का जितना भी डेटा है ना, फोटो वीडियो वगैरह जो भी डेटा है, वो आपको पहले किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर करना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन की Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको कहीं पे लिख के रख लेना है, नोट करके रख लेना है, ठीक है ना, तब आपको इसे रीसेट करना है, ठीक है ना। तो ये दो बातें आपको रीसेट करने से पहले ध्यान रखनी है। तो ये सारे प्रोसेस आप फॉलो करेंगे मेरे बताए हुए, तो आपकी कॉल एंडेड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी।